हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक पे आया हूँ इसको भी बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक हैं और काफ़ी लोग हरदम यही पूछते हैं, बार बार यही पूछते हैं कि भैया इतना रैंक है, इतना रैंक है, क्या सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। मैं अधिकतर इतना वीडियो बना चुका हूँ आपको रैंक से लेकर कि कितना रैंक पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, कितना रैंक पर आप जो है काउंसलिंग कराएँ। तो एक ही टॉपिक को बार बार समझाना या बार बार आपको बताना या बार बार आपकी क्यूरियसिटी को लेकर प्रस्तुत होना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बार बार लड़के सोचते हैं कि कोई अच्छा टॉपिक बताए, कोई अच्छा टॉपिक बताए। लेकिन फिर आपके जिद के कारण आज मैं फिर वही टॉपिक पर लेकर आया हूँ और बताने वाला हूँ कि आपको कितने रैंक पर जो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। इस ये रैंकिंग के संबंधित कितना रैंक है, कितने रैंक में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है तो मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो आपको आपका जो, क्योंकि आप जितने लोग हैं अधिकतर लोग जो है अपेयरिंग के स्टूडेंट हैं और अपेयरिंग के स्टूडेंट में एक क्यूरियसिटी होती है या घर का जो माहौल होता है या जो है और चीज़ों की वजह से जो उनके अंदर एक जुनून रहता है कि क्या मिलेगा, क्या ना मिलेगा, कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों को लेकर मैं आपकी, क्योंकि मैं अधिकतर लोगों की उम्मीदों को जो है, जो अदर यूट्यूब चैनल वाले हैं या जो लड़के मुझ पर विश्वास करते हैं अदर यूट्यूब चैनल वालों को बार बार यही आ रहा था कि 10,000 10,000 10,000 रुपये सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार। फिर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप केवल एक बार अगर आप पहले राउंड की काउंसलिंग में, फिर मैं अधिकतर अपने वीडियो में यही बताता हूँ, अगर आप पहले राउंड की काउंसलिंग में, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर आपकी 20,000 रैंक है तो आपको जो है पहला आपके मन मुताबिक मिल जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। इसको आप एकदम अपनी गांठ बांध लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगा। क्योंकि फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग ये चाहते हैं जिनकी बहुत कम रैंक रहती हैं, बहुत ज़्यादा 3,000 4,000 जो रैंक वाले लड़के हैं, काफ़ी लड़के जो है प्राइवेट से अपना बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट से मैंने बताया कि प्रैक्टिकल वाइवा ये जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं करनी पड़ती। तो सब चीज़ सब लोग जो है इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, भले से थोड़ा पैसा लगे। और मेन चीज़ है यार, जो बीएड करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद एक लड़कों के ऊपर एक अलग से जो है जिम्मेदारियां आ जाती हैं, मतलब वो सोचते हैं कहीं ना कहीं सेटल होने के लिए। तो इसकी वजह से बहुत लड़के जो है सरकारी कॉलेज से नहीं करना, क्योंकि सरकारी कॉलेज का एक अपना एक अलग महत्व है या अलग एक रुतबा है कि उसमें जो है आपको क्लासें लेनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको अपने 2-3 वीडियो में बताया कि लड़कों का जो है आपको कहीं ना कहीं जो है आपकी तैयारी में जो है 19-20 का अंतर जरूर आएगा। तो मैं अपने फिर यही वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आपकी रैंक अगर पहले राउंड काउंसलिंग में है, जैसा कि अगर आपकी रैंक पहले राउंड की काउंसलिंग में, तो आपको जरूर कहीं ना कहीं पूरा उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप जानते हैं कि 32 यूनिवर्सिटियाँ इस जो है बीएड विभाग के जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भाग लें, और 32 यूनिवर्सिटियाँ जो है पार्टिसिपेट करती हैं आपका बीएड एग्ज़ाम को करवाने में, या बारी बारी से प्रत्येक यूनिवर्सिटियाँ जो है बीएड का एग्ज़ाम करवाती रहती हैं। तो वो सब यूनिवर्सिटियाँ, और जानते हैं हर यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैं अपना सोहेल देव यूनिवर्सिटी बताऊँ कि महाराजा सोहेल देव यूनिवर्सिटी जो है 4 कॉलेज जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने अपने कई वीडियो में बताया। अवध यूनिवर्सिटी से आपका जो है 6 से 7 कॉलेज जुड़े हुए हैं, जौनपुर यूनिवर्सिटी से 6 से 7 कॉलेज जुड़े हैं, इसी प्रकार बलिया यूनिवर्सिटी से 2 कॉलेज जुड़े हुए हैं, बनारस यूनिवर्सिटी से 6 से 7 कॉलेज जुड़े हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से 6 से 7 कॉलेज जुड़े हुए हैं, इसके बाद जो यहाँ क्या नाम है इसका गोरखपुर यूनिवर्सिटी, DDU यूनिवर्सिटी से जो है 5 से 6 कॉलेज जुड़े हुए हैं। तो अधिकतर हर यूनिवर्सिटियों को आप ब्यौरा उठा के देखेंगे, ब्यौरा उठा के देखिए तो हर यूनिवर्सिटी से जो है कुछ नहीं कुछ तो 2 से 2+1 यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जो एक है केवल लखनऊ का है, पता है मुनीरुद्दीन चिश्ती करके कौन सा है, तो उससे केवल एक सरकारी कॉलेज है, और अधिकतर जो है यूनिवर्सिटियों से जो 2 कॉलेज है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो बीएड से जो है 32 सरकारी, मतलब 32 यूनिवर्सिटियाँ जुड़ी हैं, और 32 यूनिवर्सिटियों में अगर आप 5 से अगर गुणा कर देंगे तो आप जानते हैं कि एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। कम से कम 160 जो है सरकारी कॉलेज होते हैं अगर 2-2 5-5 कॉलेज जोड़ा जाए, लेकिन 5-5 कॉलेज नहीं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियों में जो 2-2 कॉलेज है, तो आप ये जान लीजिए कि कम से कम 100+ आपके, मैं एक मोटा मोटा जो आपको डाटा देता है, 100-110+ जो आपका सरकारी कॉलेज। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया कहाँ क्या इतना कॉलेज है, क्या इतना कॉलेज है, लेकिन मैं इसी बेस पर कहता हूँ कि 100-110 कॉलेज जो आपके हैं, अगर आप जो है आपकी रैंक 26,000 है और आप 30 से 35 कॉलेज लाख करते हैं, तो आपको 100-100% जरूर मिलेगा सरकारी, मैं इसी बेस पे करता हूँ। और आप जान सकते हैं कि अधिकतर लड़के सरकारी कॉलेज नहीं चाहते। अगली बार का मैं फिर बताना चाहता हूँ कि अगली बार पहले राउंड में जो है 1 रैंक से 75,000 रैंक तक बुलाया गया था, जिसमें से 400 सीटें खाली चली गई थी, तो उसका यही कारण है। क्या 400 लड़के नहीं मिले थे क्या 75,000 में? मिले थे, लेकिन वो सरकारी कॉलेज नहीं चाहते। और कुछ लोग की ये बेवकूफ़ी रहती है कि उनका रैंक जो है 2500 रहता है या 3000 रहता है, वो एक कॉलेज डालते हैं। जान लीजिए कि आपको एक कॉलेज जो है डाल दीजिए और आपको डिमांडिंग कॉलेज है, तो वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है आप जो है अधिकतर जिनकी रैंक जो है 10,000 से अंदर है, उनको जो है
जो 3 से 4 कॉलेज जो है वो जो जैसे 3 से 4 कॉलेज जो है वही मिलने का उम्मीद रहता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता रहता हूँ कि पहले आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज डाल लीजिए, जहाँ आप रहना चाहते हैं। जैसे बनारस के लड़के हैं, इलाहाबाद रहना चाहते, तो जो भी आपको कॉलेज पसंद है पहले इसको डालिए, फिर इसके बाद थोड़ा और दूर को डालिए। लेकिन ये आप ना सोचिए कि आपकी रैंक जो है 2500 है या 3000 है और आपको पहला कॉलेज मिल जाएगा। मैंने अपने कॉलेज के बहुत लड़कों का आपको उदाहरण बताया है कि उनको उनका जो है 1200-1200 रैंक, 1300-1300 रैंक, 1500-1500 रैंक, लेकिन उनको पहला कॉलेज नहीं मिला। इसीलिए आप जो है अधिक से अधिक कॉलेज डालने का प्रयास करें। और जिनकी रैंक ज़्यादा है, फिर मैं बताना, जिनकी रैंक ज़्यादा है वो भी परेशान ना हो। वो यूपी के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, जितने भी सरकारी कॉलेज, वो सब सभी कॉलेजों को लॉक करें और सभी कॉलेजों को लॉक करें। अधिकतर उम्मीद है, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, कानवानपुर यूनिवर्सिटी है, आपका मेरठ यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी, इसके बाद जो आगरा यूनिवर्सिटी है, कहीं ना कहीं आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, ये जान लीजिए। क्योंकि लड़कों के अंदर जो है एक तैयारी, एक उम्र ऐसी चल रही कि इस उम्र में लड़का जो है नौकरी लेना चाहता, वो सरकारी कॉलेज नहीं जाना चाहता। क्योंकि अभी बहुत लड़के ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, वो सब खुद जो है यूनिवर्सिटी पढ़ के आए तो वो कॉलेज लाइफ नहीं अटेंड करना चाहते, वो आप नौकरी की तरफ बढ़ना चाहते। क्योंकि आप अगर बीएड भी कर लेंगे या कुछ भी कोई भी डिग्री हासिल कर लेंगे तो आपको कंपटीशन की दुनिया में उतरना पड़ेगा। तो इसीलिए वो अभी से मतलब क्या करने के लिए जाएंगे जो है फिर सरकारी कॉलेज से बीएड करने के लिए, तो वो सोचते हैं कि मैं अभी मेरा ग्रेजुएशन के करने के बाद एक अलग से जुनून रहता है। और कॉलेज जो घर वालों का प्रेशर है वो अलग रहता है कि मतलब लड़का अब जॉब लेने के कगार पे आ गया, मतलब ग्रेजुएशन भी हो गया तो उसके पास कोई बहाना नहीं है कि मुझे भी ग्रेजुएशन करना, मैं अभी तैयारी नहीं कर सकता। तो इसीलिए लड़के जो है फिर नौकरी की प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनका एक दूसरा जुनून रहता है। इस उम्र का ऐसा जुनून है कि आप किसी भी काम को अगर शिद्दत और मन से करेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो इन्हीं सब बेसों के मैं आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी रैंक चाहे जितनी है, आप एक बार मेरे कहने पर आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती। और अगर आप पहले राउंड की काउंसलिंग में, तो आपको ज़रूर सरकारी कॉलेज मिलेगा। और ये भी बात है, जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए और पहले राउंड की काउंसलिंग में या दूसरे राउंड की काउंसलिंग में, उनको भी प्राइवेट भी कॉलेज मिलेगा। क्योंकि काफ़ी लड़कों की ये भी क्यूरियोसिटी है, 2-2 लाख के हैं, कहते हैं भैया क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो आपको भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी तो रहते हैं, लेकिन लड़के जहाँ तैयारी करते हैं वहीं एडमिशन करा लेते हैं या कहीं से भी करा लेते हैं। क्योंकि वार्षिक कहीं वार्षिक पढ़ा लिए, कहीं के सेमेस्टर पढ़ा लिए, तो वो अपना बीच बीच में चले जाते हैं, एग्जाम दे के चले जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगी, मैं अधिकतर हर बात वो अपने ये चीज़ें समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार आज मैं अच्छे से आपको समझाना चाहा। और अभी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी मेरी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जो है व्यू छोड़िए कि मुझे और क्या सुधार करना चाहिए या और क्या बताना चाहिए आपको या किस टॉपिक पर और आपको वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय प्रयागराज, जय संगम, जय।